नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है विंध्या टाइम्स में और आपके साथ मैं श्रेया। वर्ष 2013 के विधानसभा चुनाव में पूर्व नेता प्रतिपक्ष एवं कांग्रेस नेता अजय सिंह ने जनसभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की थी। साधना सिंह को व्यापक मामले में भ्रष्टाचार में लिप्त बताया था, जबकि शिवराज सिंह को रेत माफिया की संज्ञा दी थी। चुनाव के बाद मुख्यमंत्री ने पत्नी के साथ राजधानी की जिला अदालत में मानहानि का प्रकरण लगाया था। इस मामले में शनिवार को न्यायिक मजिस्ट्रेट विधान महेश्वरी ने फैसला सुनाया और इसके तहत पूर्व नेता प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल पर 10,000 रुपए का जुर्माना लगाया गया है। साथ ही अदालत उठने तक खड़े रहने की सजा दी गई। विधानसभा चुनाव में व्यापम घोटाले के अलावा अवैध रेत उत्खनन को कांग्रेस ने प्रमुख मुद्दा बनाया था। उस दौरान अजय सिंह ने सागर, दमोह और खरगोन में हुई जनसभाओं में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह से को रेत माफिया बताते हुए उनके परिवार के लोगों पर अवैध रेत उत्खनन करने का आरोप लगाया था। इसके अलावा मुख्यमंत्री की पत्नी साधना सिंह पर भी चुनावी सभा में व्यक्तिगत टिप्पणी की थी। साधना सिंह और शिवराज सिंह चौहान दंपत्ति का आरोप है कि अजय सिंह ने ये आरोप सिर्फ वोट बैंक को आकर्षित करने के लिए लगाए थे। इसके बाद 4 जून 2013 को खरगोन में भी अजय सिंह ने आपत्तिजनक बयान देते हुए कहा था कि सीएम हाउस में नोट गिनने की मशीन लगी हुई है। शिवराज सिंह और उनकी पत्नी साधना सिंह ने अजय सिंह के खिलाफ अदालत में 1 करोड़ रुपए की मानहानि का मुकदमा दायर किया था। जिला अदालत ने 10 अक्टूबर 2013 को अजय सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था। चुनाव संपन्न होने के बाद मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और उनकी पत्नी साधना सिंह के साथ मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी के समक्ष उपस्थित हुए थे। उन्होंने बताया था कि चुनावी सभा का प्रसारण विभिन्न न्यूज चैनल पर हुआ। समाचार पत्रों में भी उनके व उनकी पत्नी के बारे में अजय सिंह द्वारा दी गई व्यक्तिगत टिप्पणियां प्रकाशित हुई। यह बात उनके रिश्तेदारों को काफी बुरी लगी, साथ ही उन्होंने खुद को अपमानित भी महसूस किया। अदालत ने मानहानि के प्रकरण को स्वीकार कर लिया था, तब से इस मामले की सुनवाई चल रही थी। शनिवार को इस मामले में कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। मामले की सुनवाई के दौरान दोनों पक्षों से कई लोगों की गवाही हुई, न्यूज चैनल की क्लिपिंग, अखबारों में प्रकाशित खबरों की कटिंग पेश की गई। सीएम शिवराज के वकील ने बताया कि बचाव पक्ष की ओर से यह भी कहा गया था कि कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ऐसा बोला था, इसलिए उन्होंने भी कह दिया। हालांकि कोर्ट के समक्ष इस बयान में ऐसा कुछ कहने से अजय सिंह ने इनकार कर दिया। बयानों में विरोधाभासी बातें भी सामने आई। कोर्ट ने बचाव में दी गई दलीलों को मान्य नहीं किया। एमपीएमएलए न्यायालय ने अजय सिंह को दोषी मानते हुए कोर्ट की कार्यवाही खत्म होने तक खड़ा रहने की सजा सुनाई, साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भरने का आदेश दिया। सेंट्रल अकेडमी प्राइमरी स्कूल दीनदयाल धाम कॉलोनी पढ़रा इनवाइट्स एडमिशन फॉर सेशन 2022-23 फ्रॉम नर्सरी टू क्लास 7th. Grab the opportunity of free registration from nursery to class 1st and cashback of Rs. 2500 for first 100 students seeking admission in class 2nd to 7th. Brought to you by Little Hands. For further information, contact our office during school hours. The earlier you start working, the earlier you'll get results.